दोस्तों नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ, जो कि लिटरेचर की हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं इस प्ले को शॉर्ट फॉर्म के रूप में कंप्लीट करवाऊं। तो स्टार्ट करते हैं मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसका फुल टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, या आपने इसको ये भी बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन इसको बोलते हैं, यानी कि एम्बिशन का मतलब होता है महत्व, कांक्षा। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जो कि शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है या फिर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है लिटरेचर के अंदर। इसको लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और विलियम शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है वो है 1564 से लेकर 1660 तक। इस प्ले को 1606 के अंदर इंग्लैंड में लिखा गया था, जबकि 1623 के अंदर इसको फर्स्ट फोलियो के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। लिखा गया था 1606 के अंदर, जबकि इसका पब्लिकेशन किया गया था 1623 के अंदर इन फर्स्ट फोलियो के अंदर। जब ये मैकबेथ प्ले किया गया था तो वो टाइम था मिडिल एज थी, और स्पेसिफिकली कौन सी थी? 11th सेंचुरी का टाइम था। 11th सेंचुरी का टाइम था मैकबेथ को जब प्ले किया गया था। और इस प्ले के अंदर जो मेनली प्लेस को इंक्लूड किया गया है वो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। इस प्ले का मैक्सिमम पार्ट जो है वो है स्कॉटलैंड का, जबकि ब्रेवली पार्ट किसका है? इंग्लैंड का। इस प्ले के अंदर टोटल 5 एक्ट हैं, एक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसके अंदर से एक्ट फर्स्ट के अंदर 7 सीन हैं, एक्ट सेकंड के अंदर 4 सीन हैं, एक्ट थर्ड के अंदर 6 सीन हैं, एक्ट फोर के अंदर 3 सीन हैं और एक्ट फाइव के अंदर 9 सीन हैं। यानी कि एक्ट फोर के अंदर जो सीन है वो सबसे कम है मिनिमम, और एक्ट फाइव के अंदर मैक्सिमम सीन है पूरे प्ले के अंदर 9 सीन। आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए, चाहे तो आप ऐसे याद रख लेना 7639 कंटिन्यू याद रख लेना। कई बार क्या होता है कि पूछ भी लेते हैं कि किस एक्ट में कौन कितने सीन है, ये भी पूछ लेते हैं, तो आप इनको याद रख लेना 7639। फर्स्ट में 7, सेकंड में 4 सीन, थर्ड में 6 सीन, फोर्थ में 3 सीन और सिक्स में 9 सीन। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो ये प्ले है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो है मैकबेथ, इस मैकबेथ की जो स्टोरी है वो किस पर बेस है? वो है राफेल होलिंस्ट के क्रॉनिकल पर बेस है, जिसके अंदर जो किंग डंकन था, इस डंकन का जो मर्डर किया गया था वो किया गया था मैकबेथ और बैंको दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। जबकि अपने जो मैकबेथ जो प्ले है उसके अंदर जो डंकन का मर्डर की जो प्लानिंग है वो कंप्लीटली कौन करता है? मैकबेथ करता है। जबकि राफेल फॉरेस्ट का जो क्रॉनिकल है इसके अंदर जो स्टोरी है उसके अंदर स्कॉटलैंड के किंग डंकन का मर्डर मैकबेथ और बैंको दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो ये मैकबेथ की स्टोरी किस पर बेस है? क्रॉनिकल के बेस, क्रॉनिकल्स पर बेस है, जिसको राफेल होलिस्ट के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो एक आता है डनसिने, जो कि डंकन्स का प्लेस है, जो कि स्कॉटलैंड का किंग है। फॉरेस डंकन्स विद हिज सन्स हॉल्टेड हियर ड्यूरिंग द बैटल, कि जब लड़ाई होती है तब डंकन, उसकी सेना और डंकन और उसके दोनों सन्स वो यहां पर क्या करते हैं? अपना पड़ाव डालते हैं, यानी कि यहां पर आकर वो रुकते हैं। इनवरनेस मैकबेथ का कैसल्स है, मैकबेथ का निवास स्थान है, और यहीं पर क्या होता है? डंकन का मर्डर किया जाता है मैकबेथ के द्वारा। तो मैकबेथ कैसल्स और डंकन्स के मर्डर की जगह कौन सी है? इनवरनेस, और एक आता है स्कोन। स्कोन क्या है कि जितने भी स्कॉटलैंड के अंदर राजा हुए, यानी कि स्कॉटिश किंग हुए, उनका
क्राउन्स किया जाता था, यानी कि उनका राजतिलक करने की जगह कौन सी थी, स्कोन थी, और ये स्कोन साथ में क्या थी, कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि स्कॉटलैंड की राजधानी थी, जहां पर जितने भी स्कॉटिश किंग थे उनका राजतिलक किया जाता था, उनका यहाँ पे क्राउन किया जाता था। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके बाद अपने करेक्टर एनालिसिस के साथ में कंप्लीटली शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपने प्ले की स्टोरी को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।